अरे बाप रे गाइस, लॉस सेंटोस में इतनी खतरनाक तरीके की भीड़, और साथ साथ में भाई साहब ये हमारा पिंक स्पीकर मैन ऐसे आसमान में लेटा क्यों है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों प्लीज घबराइए मत, मैं आपका प्यारा आयरन मैन आप सभी के साथ हूँ। गाइस ऐसा क्या हो गया? अरे भाई अब हमको कौन से मालेगा? बिल्कुल सही कहा, हम तो बर्बाद हो गए। अरे बिल्कुल हम बर्बाद हो गए। ओ भाई साहब यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक, प्लीज लॉस सेंटोस के वासी अपने आप को संभालो, प्लीज अवेंजर्स तुम भी अपने आप को संभालो, अगर तुम इस तरह से रोज आओगे तो दुनिया कौन संभालेगा। ओह माय गॉड, पिंक स्पीकर मैन को क्या हो गया? हमारा प्यारा मैका स्पीकर मैन अब उस दुनिया में नहीं रहा, उसने फाइनली इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी दुनिया को छोड़कर गया है। मैंने यहाँ पर हमारे मैका स्पीकर मैन की याद में एक और पावरफुल सूट बनाया है। ये देखो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल साधारण सा स्पीकर मैन का सूट नहीं है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स मिल जाएंगे। ओ भाई साहब ये कौन सा मॉडल है भाई स्पीकर मैन का? मुझे तो वो लिटरली में कुछ अजब भी लग रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी इसको पहनेगा वही ताकत दिखा पाएगा इस सूट की। एक मिनट, वो एक सूट है? इसका मतलब कोई भी ह्यूमन इसको पहन सकता है? ओ भाई साहब इतना ही नहीं, ये यहाँ पर अपना दिमाग यूज करके भी हमारे शहर को बचाएगा। अरे भैया फिर तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच टोनी स्टार्क, आपने हमारे लिए ऐसा किया। हाँ गाइस यार टोनी ने सही किया ऐसा नया स्पीकर मैन का सूट बनाकर, वैसे मैं इसकी पावर्स देखना चाहता हूँ। नया वाला सूट, इसके बड़े मैं इसके दिमाग में घुस जाऊंगा। ओ भाई साहब वो कौन था? ये तो ग्रैबर स्किबिडी मॉन्स्टर है। गाइस ये रुकते क्यों नहीं? ओ हेलो ग्रैबर स्किबिडी, चुपचाप वहां से हट जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओ स्किबिडी, और तू अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा फ्रैंकलिन? ओ नो यार ये तो स्पीकर मैन के हेड के अंदर घुस गया, मुझे टोनी से बोलना चाहिए। टोनी मेरे भाई यार इसके अंदर वो खतरनाक स्किबिडी मॉन्स्टर चला गया। कौन चला गया? अरे टॉयलेट मॉन्स्टर। अबे पागल है क्या फ्रैंकलिन, यहां पर कोई टॉयलेट मॉन्स्टर नहीं, सिर्फ यहां पर ह्यूमंस है। अरे मैं सच बोल रहा हूं फ्रैंकलिन, यहां पर सीन क्रिएट मत कर, लोग वैसे ही पैनिक है और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। फ्रैंकलिन तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और जल्दी चैनल सब्सक्राइब, जिससे कि टोनी को अकल आए। अरे भैया क्या कर रहा है, निकल जा फ्रैंकलिन यहाँ से, बेवकूफ बेअकल कहीं का। अरे यार टोनी यार मैं सच बोल रहा हूँ, गाइस मैं इसको कैसे समझाऊं? और स्किबिडी, और अब तो यहाँ पर स्पीकर मैन मिल गया मेरे को। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है स्पीकर मैन के सूट को? अरे नहीं कोई मुझे बचाओ, कोई मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है। भाई साहब यहाँ पर स्पीकर मैन बेचारा बोल रहा है कि उसके दिमाग पे कोई कंट्रोल कर रहा है। देखा टोनी? और बाप रे फ्रैंकलिन ये तो तू सच कह रहा था। अरे बाप रे अवेंजर्स जल्दी यहाँ पर स्पीकर मैन के अंदर जो भी घुस गया। अरे भैया अरे मुझे कोई बचाओ। अरे बाप रे बाप मार दिया। ओडिन कसम ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम सब के सब मरोगे, इसके बड़े नहीं। अरे कितना बुरा मारा, ये तो बहुत ही खतरनाक स्पीकर मैन है। ओ भाई कैसे बुरा मारा मेरे को? नहीं ओ माय गॉड गाइस ये सब क्या हो गया, जो हमारा रखवाला होने वाला था वही तबाही कर रहा है यहाँ पर। अरे बाप रे, अरे बच्चे मेरे ऊपर क्यों कर रहा है, यहाँ पर तो मेरी टांगे वैसी टूटी पड़ी है। उसके बड़े मजा आ गया, और जल्दी जाता हूँ। ओ भाई साहब ये क्या, एक झटके में लॉस सेंटोस का पूरा नक्शा बदल दिया है इसने तो, यहाँ पर चारों तरफ इसकी ब्रिटेन मॉन्स्टर की आर्मी आ गई। इसके बड़ी बड़ा ही मजा आएगा, अब शहर हमारा है। अरे नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई नया स्पीकर मैन या फिर टीवी मैन का सूट आता है इसके ब्रिटेन मॉन्स्टर जरूर उस पर अपना हक जता लेते हैं। इसके बड़ी ओ भाई साहब वो बड़ा वाला, और ये क्या है? इसमें तो मेरी फैमिली भी चपेट में आ गई, मुझे यहाँ पर जल्दी से स्पीकर मैन का माइंड ठीक करना होगा। हेलो भाई स्पीकर मैन तुझे मेरे पास वापस आना होगा। अरे इसके बड़े मजा ही आ गया उसका दिमाग चाट कर, चलो अब जाता हूँ किसी और का दिमाग चाटता हूँ। भाई साहब ये ग्रैबर स्किबिडी मॉन्स्टर स्पीकर मैन के हेड से बाहर आ गया। ओ माय गॉड ये क्या, अरे बाप रे फ्रैंकलिन हमें यहाँ से भागना होगा। एक मिनट तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है स्पीकर मैन? पहले तो तूने तबाही मचाई और अब तू मुझे लेके भाग रहा है? मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, मैं ये सब नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दे। ओ माय गॉड गाइस बेचारा नया स्पीकर मैन तो रो रहा है। सॉरी चल भाई मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तू सही कह रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर वो पहला वाला स्पीकर मैन जिंदा होता तो ये सब कभी नहीं होने देता, वो मैं जानता हूँ। काश हम यहाँ पर उसकी जगह पावरफुल होते, मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकालता हूँ। किस तरह का सॉल्यूशन? यहाँ पर हम दुनिया को अभी बचा सकते हैं, लेकिन वो कैसे? तुझे यहाँ पर बनना पड़ेगा दुनिया
दुनिया का सबसे खतरनाक मैं का स्पीकर मैन मैं नहीं बनूंगा भाई, पिछली बार बना था बहुत पिटा था। अरे नहीं प्लीज मेरे को मत बना, प्लीज फ्रैंकलिन मेरी सारी ताकत ले ले और इस दुनिया को बचा ले। अरे ताकत ये क्या दे दिया गाइस, ये तो ट्रैफिक लाइट दे दी इसने मेरे को और दो चार स्पीकर दे दिए। अरे बाप रे गाइस, खैर मैं इनका करूंगा क्या, तू यहां पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर और दुनिया बचा। एक मिनट मुझे कहीं से साउंड आ रहा है, ओ भाई साहब बिल्डिंग को हमने एयरक्राफ्ट बना लिया, क्या बिल्डिंग को एयरक्राफ्ट बना लिया, क्या हो रहा है वहां पर। देखिए अभी तक तो बाप रे पूरी की पूरी मेज बैंक वाली FBI वाली जो बिल्डिंग थी उसको किसी ने ब्लास्ट कर दिया। अरे इसके बड़े बड़ा मजा आ गया, और चलो इस बिल्डिंग को उड़ाते हैं और बाकी बिल्डिंग में भिड़ाते हैं। क्या ये एक बिल्डिंग को उड़ाकर दूसरी बिल्डिंग में ठोकेंगे, और इसके भी टॉय मॉन्स्टर चाहते क्या है, हमारे वर्ल्ड इनका क्या ही बिगाड़ा है। अरे इसके बड़े तुम लोगों ने हमारा हमेशा गंदा यूज किया, इसके बड़े तो हमने तुम्हें तो गंदगी साफ करने के लिए यूज किया है ना। अरे बाप रे गाइस इनको कोई समझाओ। ओ माय गॉड ये क्या, और पूरी बिल्डिंग को ये तो भाई मेज बैंक की तरफ ले आ रहा है। इसके बड़े ये वाला ठोक दिए। ओ माय गॉड नहीं इन्होंने एक और बिल्डिंग में आग लगा दी। ओ भाई साहब ये तो तबाही मचाते जा रहे हैं। इसके बड़े ये तो अभी शुरुआत है, बाकी की खतरनाक बिल्डिंग को भी फोड़ तोड़ देंगे हम। इसके बड़े अरे बाप रे गाइस, इससे पहले कि मेज बैंक तक पहुंचे मुझे यहां पर इनको रोकना पड़ेगा, मैं क्या करूं। ओ भाई साहब यार ये तो सारी की सारी बिल्डिंग को फोड़ दे रहा है। ये ले इसके बड़े इसका बड़ा मजा आ रहा है। एक मिनट गाइस ये क्या, ओ भाई साहब ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है, अगर मैं इस ब्लॉक को सामने मेज बैंक के खड़ा कर दूं तो जैसे ही बिल्डिंग में ठोकने जाएंगे ये ब्लॉक में टकराकर खुद ही गिर जाएंगे। गाइस मैं अपनी स्पीकर टेक्निकलेसिस पावर का इस्तेमाल करके इस खतरनाक ब्लॉक को उठा रहा हूं। देखिए भाई साहब ये ब्लॉक हवा में उड़ रहा है। लेट्स गो हमें मेज बैंक को डिफेंड करने के लिए यहां पर इसको पूरा टॉप पे उठाना पड़ेगा, लेकिन गाइस मैंने अपनी बहुत ताकत इस्तेमाल कर लिया है इसलिए मैं और नहीं कर पाऊंगा। काश मेरे पास फुल बॉडी होती। ओ नो यार ये क्या, मेरी सारी मेहनत पानी में गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई कोई बचाए, ये स्किबिडी मेरे को कहा जाएगा। एक मिनट ये कौन अंकल है, ओ भाई साहब, और गाइस इनके पास तो एक मिनट ये तो एक स्पीयरमैन का सूट है, सिर्फ बॉडी है मतलब हेड नहीं है। अरे कोई बचाए, अरे अंकल जी क्या हो गया आपको, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका ये वाला बॉडी सूट ले सकता हूँ, मुझे जरूरत है, मुझे दुनिया बचानी है। अरे बेटा बिल्कुल ले ले, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे को बचा ले, एक स्किबिडी ट्रॉइड मॉन्स्टर मेरे को कहा जाएगा। कहां पर, सामने देख। हां स्किबिडी आ गया, तो नया स्पीकर है, इसको भी खाएंगे। तू मुझे खाएगा बेटा, ये ले मेरी साउंड लेजर रे, जरा मार दिया इसके बड़े। लेट्स गो, हमने यहां पर गाइस इसकी बैंड बजा दी। ऑलराइट यहां पर इसकी तो मैंने बैंड बजा दी, लेकिन अंकल जी का किया हुआ वादा, अंकल जी मैंने उसको हरा दिया। अरे बहुत शुक्रिया तेरा बेटा, ले ले इसको। ऑलराइट गाइस अब मैं जल्दी अपने हेड को इसकी बॉडी पर अटैच करता हूं। लेट्स गो, अब मैं पूरा यहां पर एक स्पीकर मैन बन गया हूं। भाई साहब मेरे स्पीकर के साथ ये ट्रैफिक लाइट कितनी खतरनाक लग रही है। ऑलराइट दोस्तों अब एक काम करते हैं, यहां पर जल्दी से अपनी टेलीकिनेसिस स्पीकर पावर्स का इस्तेमाल करके इस खतरनाक से ब्लॉक को आसमान में उड़ाते हैं। लेट्स गो, क्या बात है भाई, मैंने तो इसको ऐसे टच करते ही हवा में उड़ा लिया। देखिए मैं इसको हाई हाथ से टच भी नहीं कर रहा हूं, ये खुद से खुद हवा में उड़ रहा है। लेट्स गो गाइस, देखिए मैंने यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक लगा दिया है, अब जैसे ही ये लोग मेज बैंक पर हमला करने आएंगे यहां पर इनको इससे टकराना होगा। अरे इसके बड़े या सामने क्या है, इसके बड़े ओ भाई साहब ये FBI बिल्डिंग वाले इसके भी टॉयलेट मोस्टर इधर ही आ रहे हैं। चलो इसके बड़े सबसे पहले अब मेज बैंक फोड़ेंगे। ये फोड़ रहे नहीं, इसके बड़े लग गई। लेट्स गो गाइस, हमने यहां पर फाइनली इस FBI बिल्डिंग वाले इसके भी टॉयलेट मोस्टर को नीचे गिरा दिया। ऑलराइट दोस्तों अब समय आ गया है इनकी अच्छी खासी बैंड बजाने का, जिससे कि पूरा शहर मुझसे खुश हो जाएगा। गाइस वाह, हमने यहां पर शहर की तबाही होने से रोक ली, हालांकि यार बहुत सारी बिल्डिंग तबाह हो गई। एक मिनट क्या, अरे बच्चे इधर आ। अरे फ्रैंकलिन तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। एक मिनट गाइस, तुम लोग यहां पर क्यों आए हो? अरे हम तेरे लिए खतरनाक स्पीकर सूट लेकर आए। ओ बॉय सॉब, क्या हाई लेवल का सूट है यार ये, और इस वाले सूट की ट्रैफिक लाइट देखिए कितनी खतरनाक लग रही है भाई सॉब गाइस, और स्पीकर्स भी बढ़िया है भाई, साउंड की पावर्स भी तगड़ी होंगी। जल्दी अपने मास्टर के पास चलते हैं। सर मैं देखिए मेरे पास एक रेड स्पीकर का सूट है। अरे वाह बच्चे, ये तो बहुत ही एडवांस सूट है। एक काम करता हूं, मैं यहां पर इस सूट को तेरी बॉडी से अटैच कर लेता हूं। ऑल राइट गाइस, अब देखते हैं यहां पर मैं क्या बनने जा रहा हूं। वैसे तो मजा आने वाला है, लेट्स गो। बिल्कुल बच्चे, बस कुछ टाइम और, 1 2 3 लेट्स गो गाइस। वाह मेरी व्हाइट बॉडी एंड रेड भाई हेडलाइट के साथ साथ यहां पर ट्रैफिक लाइट और स्पीकर और भाई सोनिक बूम का एक खतरनाक मैजिक मिसाइल लॉन्चर, क्या क्या पावर्स है यार मेरे पास। गाइस अब समय आ गया एवेंजर्स को बचाने का। एक मिनट मुझे यार साउंड आ रहे हैं, और बहुत तेजी के साउंड आ रहे हैं, ये तो गाइस समुद्र की तरफ से साउंड आ रहा है। इसके बड़े उसको पड़ा उसका पड़ा, भाई साहब बहुत दूर से गाइस इसकी बड़ी की आवाज आ रही है मुझे। ओ भाई साहब यहां पर ये क्या चीज है, अरे भैया इनका कोई बेस भी है। ये तो गाइस एक एयरक्राफ्ट है, और इन लोगों ने यहां पर अपना बेस
बना रखा है, तो ये लोग यहाँ से आते हैं। तभी सोचूं लॉस सैंटोस में कभी भी इनका ना रुकना। और भाई साहब इनके पास जेट है, व्हाट ये सब क्या है गाइस, मुझे तो लिटरली में यकीन ही नहीं हो रहा। ओ भाई साहब इनके पास मिसाइल है, अगर ये लॉस सैंटोस में इतनी सारी मिसाइल और जेट लेके आ गए तो ये तो यार लॉस सैंटोस नहीं पूरी दुनिया को खा जाएंगे। गाइस मुझे यहाँ पर इनके बेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेट्स गो फ्रैंकलिन तू यहाँ पर कर सकता है। गाइस मेरी स्पीड देखिए भाई स्विम करने की, ये भी मेरी साउंड स्पीड है इसलिए यहाँ पर मैं साउंड की मदद से पोते। अरे बाप रे इस कपड़े मार दो। ओह नो इनका तो कोई ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही मैं इनके करीब जा रहा हूँ यार ये तो मिसाइल में छोड़े जा रहे हैं मुझे तो। अरे तुम्हें दूर जाके अपने आप को जंप मारनी होगी, लेट्स गो मैं आ गया। अब बताता हूँ बेटा तुमको, हमारे बेस पर हमला हुआ है इस कपड़े इनको मारो। अरे नहीं इस कपड़े बैंड बजा दी मेरे, लेट्स गो गाइस। मैंने यहाँ पर शुरुआत कर दिया इन सबके बैंड बजाने की, मैं इनके पूरे एयरशिप को खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, फिर इनका कोई भी यहाँ पर बेस नहीं बचेगा और ये दुनिया को तबाह नहीं कर पाएंगे। क्या खतरनाक लेवल की तबाही कर दी भाई मैंने तो यहाँ पर, देखिए यार क्या हाई लेवल के एक्सप्लोजन हो रहे हैं। गाइस यहाँ पर मैंने ना इनका पूरा बेस खत्म कर दिया। इस कपड़े बॉस को बताओ एक स्पीकर मैन ने हमारा बेस खराब कर दिया है। ओ नो यार अब शहर में अफरा तफरी मच जाएगी, मुझे जल्दी शहर जाकर अवेंजर्स को बचाना होगा और दुनिया वालों को भी जल्दी पूरी स्पीड चलते हैं। अरे बेटा मेरी बात सुन, ये किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? अरे बेटा हम मिलिट्री वाले हैं, ले हम तेरे लिए एक पुराना धुराना सा खतरनाक जैंट लेवल का स्पीकर और साथ साथ में ट्रैफिक लाइट वाला सूट लेकर आए। ओह माय गॉड क्या बात है गाइस, ये तो बहुत हाई लेवल के हैं भाई साहब, इसमें से जब मैं रोशनी और साउंड निकालूंगा ना बैंड बज जाएगी एनिमीज की। बिल्कुल बेटा जल्दी इसको ले जा। गाइस चलो अब अपने टीचर के पास को लेकर चलते हैं, क्योंकि अब ये वाला नया सूट मदद करेगा सारे के सारे एवेंजर्स को बचाने में और इसके बीट और मॉन्स्टर की बैंड बजाने में। अरे वाह फ्रैंकलिन ये क्या, तू तो मेरे जैसा एक और स्पीकर ले आया। बिल्कुल सर वैसे आपसे बड़ा है। बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं काम करता हूँ जल्दी से इसको तेरी बॉडी पर अटैच कर देता हूँ। लेट्स गो गाइस अब यहाँ पर हम अपग्रेड होने जा रहे हैं, देखते हैं दोस्तों अब हम क्या बनेंगे। ओ भाई साहब मैं तो एक जायंट ग्रीन स्पीकर मैन बन गया। गाइस मैं अब उड़ भी सकता हूँ लिटरली में, क्या बात है यार। चलो दोस्तों अब इस गोल्डन स्केलेटन मॉन्स्टर को और इसकी आर्मी को धूल चटाते हैं और यहाँ से भगाते हैं। उसका बड़ा मेरी आर्मी को कौन मार रहा है? उसका बड़े गोल्डन स्केलेटन मॉन्स्टर ये ले अपनी आर्मी को लेके ऐसे भाग। अरे इसके बड़े नहीं ये तो बहुत बुरी तरह से मार रहा है। लेट्स गो गाइस ये देखिए मैंने इनकी क्या ही बैंड बजाई है। और उसका बड़ा मसाला ये ले सुपर स्पीकर ब्लास्ट। ओ भाई साहब सारे ब्लास्ट से यहाँ पर जितनी भी आर्मी थी ना स्पीकर मैन की सबकी सब वाइप आउट हो चुकी है। देखिए सबके सब बेहोश हो गए और कुछ तो भाई मर भी चुके हैं। क्या खतरनाक पावर है मेरे नए सूट में, लेकिन यार इस गोल्डन इसके बिना दूसरा कुछ क्यों नहीं हुआ। उसके बड़ा अब मेरा समय है तुझ पे गोल्डन प्लेन से अटैक करने का। ओ माय गॉड ओ भाई साहब ये तो दुनिया के सारे सोने को शायद कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये गोल्डन इसके बिना दूसरा है। अरे भाई साहब क्या लेवल का अटैक कर रहा है मुझ पे। उसके बड़ा मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मारा बुरी तरह से गाइस क्या हालत कर दी इसने मेरी, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। मेरे पास अब कोई नया एसपी। एक मिनट गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों ना मैं यहाँ पर सबसे बड़े अभी तक के सबसे ही ज्यादा ताकतवर मैका पिंक स्पीकर मैन को पोसेस कर लूं। गाइस मैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके मैका स्पीकर मैन का माइंड पोसेस कर लूंगा और उसके बाद गाइस हम इस जी मैन को हरा पाएंगे। लेट्स गो गाइस मैं तो बादलों से भी ऊंचा चला गया यार। गाइस अब आप मेरी पावर्स को विटनेस करने जा रहे हैं, अब देखने वाले हैं आप कैसे मैं इसकी हालत खराब करूंगा। इस कपड़े तो मेरा कुछ नहीं आ रहा, मार दिया इस कपड़े। भाई साहब क्या हाई लेवल का साउंड है यार, मैंने यहाँ पर पूरी दुनिया हिला दी। इस कपड़े हालत खराब कर दी मेरे इस कपड़े। लेट्स गो गाइस अब यहाँ पर दुनिया सेफ है। वाह क्या बात है यार फ्रैंकलिन, थैंक यू सो मच तूने हमको बचाया यार, थैंक यू सो मच। अरे हां फ्रैंकी भैया थैंक यू सो मच। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, थैंक यू सो मच।